प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन 2 की घोषणा के बाद जान है जहान है के मुद्दे पर कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र छूट दिए जाने की घोषणा के बाद प्रयागराज में हजारों लोग अचानक सड़कों पर उतर आए, जिसके चलते न सिर्फ सड़कों पर जाम लग गया बल्कि पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी जहां इस बीच छूट का हवाला देकर शहर के सड़कों पर जाने की जिद पर अड़ा रहा, वहीं पुलिस किसी तरह से छूट न दिए जाने को लेकर आश्वस्त करती रही। इस बीच भीड़ में बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और सड़कों पर चेकिंग शुरू कराई। पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि उन्हीं लोगों को निकलने की इजाज़त दी गई जा रही है जिनके पास वैध पास है। जो लोग सड़कों पर बेवजह निकल आए हैं उन्हें समझा बुझाकर वापस भेजा जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बारे में भी जागरूक कर रही है। इसीलिए बैरियर्स पे चेकिंग चल रही है और जिनके पास आवश्यक पास है या जो बिल्कुल आवश्यक कार्य से जा रहे हैं उन्हीं को परमिशन मिल रही है। बाकी और जो किस तरह से किसी कारण से निकल आए हैं उनको हम लोग समझा बुझा करके वापस कर रहे हैं। साथ ही साथ अनिवार्यता इनको बताया जा रहा है कि आपको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, बिना मास्क के आप नहीं चल सकते हैं। और आरोग्य सेतु ऐप भी ये लोग अपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, इस चीज़ को भी सलाह दी जाए।